कावेरी हॉस्टल में हंगामा मचाया हुआ है कि वहाँ के स्टूडेंट्स आज नॉनवेज, हिंद के स्टूडेंट्स आज नॉनवेज नहीं खाएंगे बोल के 30-40 एवीपी के कुछ जो गुंडे हैं डिस्पेंसर को धमकी दिया और उससे आज नॉनवेज बनाने से रोका। जबकि जेएनयू में एक स्टैंडिंग रूल भी है कि मेस कमेटी मेन्यू को तय करता है और मेन्यू पब्लिकली लगा रहता है और हर ऑर्डर डे डिनर में आपको वेज और नॉनवेज दोनों मिलते हैं। और स्टूडेंट मेस कमेटी ने इस बात को बोला मैनेजर से कि आप कैसे बात को बिना हमारे हमको बताए डिसाइड किए हैं, तो जो वेंडर आया था चिकन पहुंचाने उसको एबीपी गुंडों ने मारा भगाया और जो मेस कमेटी के लोग उसको धमकाया डराया और उसको हड़काया और मारा। और जब इस स्थिति को हम समझते हुए हम जब सब कावेरी पहुंचे थे और वहां पे जब डीन ऑफ स्टूडेंट्स को हमने फोन किया, जब हम लोगों ने वहां पे मौजूद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन किया जो SHO आए थे उनको इस बात को बताया कि प्रशासन के लोग आके ये बात एबीपी के लोगों को समझाना पड़ेगा, दे कैन नॉट डिक्टेट। और शाम को 7:30 बजे ऑलआउट का मीटिंग बुलाया गया था जेएनयू में, जब हम सब वहां गए थे लगातार उसके बाद 7:30 बजे के आसपास एबीपी के लोग कावेरी में जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं। ये बात जब हमारे पास व्हाट्सएप से पता चला जब हमारे लोग वहां पहुंचे तो लिटरली पत्थर गमला लकड़ी से जिस तरीके से हम सब लोगों ने मारा और ट्यूबलाइट मेरे साथ में पड़ा गया था, आदर्श को खींच के गमले से मारने की कोशिश किया गया, लगातार पत्थर फेंके गए जिसमें अख्तरिश्ता का सर टूटा हुआ है, मेरे पैर पे मदरिमा की मदरिमा दूल्हे को लात मारे इन लोगों ने जिस तरीके का बर्ताव किया। वहाँ पे पुलिस हमारे साथ मौजूद थी पर कुछ नहीं करता, इसके बावजूद अभी भी प्रशासन का कोई भी लोग इस बात को डिफ्यूज करने के लिए या कैंपस में पीस शोर करने के लिए और जो हुलीगन्स हैं उनको कैंपस से निकालने के और ये लोग रिपीटेड है कोई कुछ नहीं किए। महिलाओं को सेक्शुअली हरास किया गया, महिलाएं ताकि वो क्योंकि वीडियो बन रहा था बहुत सारे स्टूडेंट